नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल मिस्टर अजमेर टेक्निकल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा के स्कूल बस के बारे में, जो है कि दोस्तों हैं टाटा सिटी राइड स्कूल बस 2024 का मॉडल 41+D मॉडल है दोस्तों। ये 412/36 LP मॉडल, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों एंड से हमारे साथ बना रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा, ताकि चैनल से आपको हर नई नई गाड़ी अपडेट कुछ इस तरह की समस्या मिलती रहे दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं इसकी की के बारे में, तो आपको कुछ इस तरह की सिंगल की मिलने वाली इग्निशन के लिए, और इसके साथ बहुत सारी की मिलने वाली इसके लॉक अनलॉक के लिए, D5 के लिए, डीजल टैंक के लिए। और यहीं पर बात कर लेते हैं इसकी प्राइजिंग की, तो 24,25,804 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइज होने वाली। अगर ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसकी प्राइस यहाँ पर आप जान सकते हैं दोस्तों। और बात कर लेते हैं इसके फ्रंट से, तो कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका फ्रंट व्यू। काफ़ी बिग साइज की आपको यहाँ पर इसकी फ्रंट विंडो स्क्रीन मिलने वाली है उसको, और उसको क्लीन करने के लिए आपको डबल यहाँ पर वाइपर्स मिलने वाले हैं, और दोनों पर आपको उस पर वॉशर जेट भी देखने को मिलेंगे, जिसमें तीन तीन दोनों तरफ नोजल लगे हुए हैं दोस्तों। और एक बार नज़र डालो ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इमरजेंसी मिरर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, दो मजबूत हैंडल्स मिल जाते हैं, जिससे कि इसमें इसके फ्रंट बम्पर पर आप चढ़कर इसकी गाड़ी का शीशा क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट सेटअप से, तो आपको यहाँ पर हाई बीम में हेलोजन बल्ब मिल जाता है, नीचे मिल जाती है पार्किंग लैंप्स, लो बीम में भी हेलोजन बल्ब मिल जाता है, इधर आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, और उसके चारों तरफ आपको ब्लैक लाइटिंग्स देखने को मिलेगी। इसकी ग्रिल में काफ़ी अच्छा गैप मिल जाता है, जिससे रेडिएटर को ताज़ा हवा यहाँ पर मिल सके। टाटा का एक काफ़ी बड़ा सारा लोगो भी आपको सामने देखने को मिलेगा, नीचे आपको यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है, और कंपनी आपको यहाँ पर इसमें फॉग लैंप्स के लिए जगह दे रही है। कंपनी फिटेड नहीं है, आफ्टर मार्केट आप यहाँ पर फिट करवा सकते हैं, इसलिए कंपनी आपको यहाँ पर जगह दे रही है दोस्तों। और बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर मिलने वाला दोस्तों पैराबोलिक लीप स्प्रिंग सस्पेंशन विथ टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ में, कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका साइड प्रोफाइल्स। और बात कर लेते हैं इसके आउटसाइड मिरर्स हैं, तो काफ़ी बिग साइज के इसके आउटसाइड मिरर मिलते हैं, जिसके ड्राइवर अपने पीछे साइड आसानी से पूरी कवर कर सकें। यहाँ पर एक क्वार्टर ग्लास मिलता है छोटा सा, साइड टर्न इंडिकेटर, ये हेड फिल्टर अगले जगह मिल जाती है, यहाँ पर LED आपको पार्किंग लैंप्स देखने को मिलेगी। और बात कर लेते हैं टायर की, तो 7.50R 16LT का टायर मिल जाते हैं, यानी कि 16 इंच के टायर मिल जाते हैं डम्बर के साथ में, और एयर ब्रेक आपको इसमें देखने को मिलेंगे, यहाँ से जो बच्चे हैं अंदर आसानी से एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप की बेजिंग मिल जाती है इधर आपको, और दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं जिनके पांव ऊपर तक नहीं पहुँचते हैं, तो एक लिफ्ट टाइट दिया गया है यहाँ पर, ये हुक्स टाइप, इसे खोल कर आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, और छोटे बच्चों को आसानी से अंदर आप एंटर करवा सकते हैं। और यहाँ पर सेफ्टी का काफ़ी अच्छे से कंपनी ने ध्यान रखा गया है, आप देख सकते हैं कि हर विंडो के बाहर कुछ इस तरह के पाइप्स लगाए गए हैं, ताकि बच्चे अपने हाथ और मुंह को बाहर नहीं निकाल सकें। पीछे आपको डबल टायर मिलने वाला, वो भी ड्रम ब्रेक के साथ में, यहाँ पर भी आपको इसकी पार्क लैंप्स देखने को मिलेगी। नीचे इधर आपको इसकी बैटरी मिल जाती है। पीछे की बात की जाए तो पीछे आपको यहाँ पर एक इसका स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, जिससे इसको ऊपर करके इसका स्पेयर व्हील आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। और अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, तो यहाँ पर इसके लंबाई होने वाली है 7,190 mm, चौड़ाई होने वाली है 1,430 mm, और इसकी ऊंचाई होने वाली है 2340 mm। व्हील बेस की यहाँ पर बात की जाए तो 3600 mm का इसका व्हील बेस होने वाला है दोस्तों। और ग्रॉस वेट की बात की जाए तो 7,000 kg इसका ग्रॉस वेट होने वाला है। और कुछ इस तरह नज़र आता है इसका रेयर प्रोफाइल्स, जो कि काफ़ी बिग साइज़ के पीछे की विंडो आपको यहाँ पर मिलती है, और ऊपर इसके पार्किंग लैंप्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, दो मजबूत ग्रे मेटल मिल जाते हैं, ACGL की बेजिंग इधर मिल जाती है, इधर आपको टाटा की बेजिंग मिल जाती है, नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर जगह आपको देखने को मिलेगी, इधर आपको इंडिकेटर लैंप्स मिल जाती है, नीचे रिवर्स लैंप मिल जाती है, और इसके नीचे आपको स्टॉप लैंप मिल जाती है, वो भी हेलोजन बल्ब के साथ ही, और इसके चारों तरफ ब्लैक कलर की क्लैडिंग्स भी आपको मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ कंपनी आपको यहाँ पर 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी देने वाली है दोस्तों।
और कंपनी आपको यहाँ पर पीछे फोग लैंप्स के लिए भी शायद जगह दे रही हैं, फिट करवा सकते हैं या फिट करवा सकते हैं। बाकी रिफ्लेक्टर तो आपको यहाँ पर कंपनी दे ही रही है। और बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन की, तो रियर में भी आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं दोस्तों, वो भी शॉक एब्जॉर्बर के साथ में, काफ़ी हेवी। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि पीछे की तरफ एक इमरजेंसी एग्जिट मिल जाते हैं, जो कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इसके शीशे को तोड़कर अंदर से आप इसका लॉक खोल सकते हैं और इमरजेंसी में आप इसमें बाहर निकल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से अपना फ्यूल फिल करवा सकते हैं, की से आप इसे का लॉक खोल सकते हो, अपना फ्यूल फिल करवा सकते हैं। दोस्तों 90 लीटर की कैपेसिटी में आपको इसका डीजल टैंक यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ से इसका AW टैंक है यानी कि यूरिया टैंक वहाँ पर फिल करवा सकते हैं। 18 लीटर की कैपेसिटी में आपको यहाँ पर इसका यूरिया यानी कि डीजल एग्जिट फ्यूल देखने को मिलेगा। और दोस्तों एंट्री लेते हैं इसके मेन गेट से, यहाँ से ओपन करेंगे, मजबूत ग्रिप हैंडल्स आपको मिल जाता है यहाँ पर एक। और दोस्तों नाइट मोड के लिए भी आपको यहाँ पर एक लैंप दी गई है, अगर नाइट में आप एंट्री लेवें तो कोई यहाँ पर परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और कुछ इस तरह की सेटिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि 41+D है ये, 3x3 की सीटिंग कैपेसिटी आपको दोनों तरफ मिलती है। और सेफ्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के एंगल्स यानी कि पाइप्स लगाए गए हैं, ताकि अगर ज़ोर से ड्राइवर ब्रेक मारे तो जो पैसेंजर इस पर बैठा हो, बच्चे बैठे हैं, जो आगे नहीं आ सकें। इस सीट पर आपको हेडरेस्ट भी देखने को मिलेगा और सीट बेल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। सेफ्टी का तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और बच्चों की ताकि सेफ्टी यहाँ पर बनी रहें। और हर सीट्स पर कुछ इस तरह के मजबूत हैंडल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और पीछे वाली जो सीटें हैं दोस्तों वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के सीट बेल्ट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये है दोस्तों इसका इमरजेंसी एग्जिट जो हमने आपको दिखाया था अभी, इसको अंदर से भी आप तोड़कर खोल सकते हैं, फायर एक्सचेंज टैंक। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि बच्चों के बैग रखने के लिए हेडरेस्ट यहाँ पर दी गई हैं दोनों तरफ आप यहाँ पर बच्चों के बैग वगैरह रख सकते हैं। मजबूत हैंडल भी मिल जाता है, अगर कोई पैसेंजर खड़ा हो तो यहाँ पर इसे पकड़ कर खड़ा हो सकता है। और LED आपको यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों, देख सकते हैं आगे तक। स्लाइडिंग विंडोज आपको यहाँ पर मिलती हैं, उस तरह से आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी जगह मिल जाती है गाड़ी में आपको। और दोस्तों ड्राइवर सीट के जस्ट पीछे की तरफ में आपको एक फायर एक्शन टैंक यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जो कि मेन्यू नहीं है। और यहाँ पर आपको एक ड्राइवर के लिए उसके टूल किट वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है, वो उसे किसी लोग भी कर सकते हैं। और एक आपको सेंसर से जुड़ा हुआ एक फायर एक्शन टैंक मिल जाता है, और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका ड्राइवर केबिन एरिया पूरा। और यहाँ पे इसका बोनट हुड मिल जाता है, और दोस्तों इसके बोनट हुड को यहाँ से आप खोल के अपने इंजन की जांच पड़ताल भी आप कर सकते हैं। एक आपको अटेंडेंट की यहाँ पे सीट मिलती है, यहाँ पे इसके हैंडरेस्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ड्राइवर केबिन आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर इसका जेक मिल जाता है और इसकी जेक रोड भी आपको यहाँ पर देखने को। और यहाँ पर ऊपर ही देखने में लगा इसका IRVM आपको, और 2 LED रूफलाइट आपको देखने को मिलेगी ड्राइवर केबिन के ऊपर ही, और एक इमरजेंसी अलार्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक फैन मिल जाता है ड्राइवर के लिए, और एक मेडिकल किट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों एक बार चलते हैं इसके ड्राइवर केबिन में अंदर की तरफ, यहाँ से इसकी दरवाज़ा ओपन करते हैं। ये शायद यहाँ पे इस ड्राइवर का मोबाइल वगैरह का रखने के लिए स्पेस दिया गया है। मजबूत ग्रिप हैंडल्स यहाँ पे भी इस पर स्पेस मिल जाते हैं, और इसका है इनर लॉक, अंदर से इसके जो दरवाज़ा खोल सकते हैं आप, यहाँ से अंदर एंट्री ले सकते हैं। मजबूत ग्रिप हैंडल्स कुछ इस तरह की नज़र आती है इसकी
ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी जो कि बिल्कुल कार जैसी फीलिंग आपको लाती हैं, और इसे या यहाँ से इसे आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। पेडल्स, एयर ब्रेक आपको यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों, इसके हैंड ब्रेक हैं वो भी पावर ब्रेक में। स्टेयरिंग की यहाँ पर बात की जाए तो आपको 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिलता है, बीच में मिलता है टाटा का लोगो आपको, और पावर स्टीयरिंग आपको मिलती है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको इसकी स्टीयरिंग मिलती है, बिल्कुल कार जैसी फीलिंग आपको इसमें आने वाली है दोस्तों। और सामने डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 2 USB पोर्ट चार्जर, जिसमें अपना मोबाइल वगैरह आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। इसका ब्रेक फ्लूड यहाँ से आप डाल सकते हैं, इसका ब्रेक फ्लूड या क्लच फ्लूड। और ये बात करते हैं कि उन्होंने सामने देखेंगे इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें अगर नीचे नज़र डाले तो आपको यहाँ पर इसका टेम्परेचर मीटर मिलने वाला है, ऊपर इसका RPM मीटर मिल जाता है, और बीच में इसकी MID मिलती है डिजिटल। इसमें इसके ब्रेक के बार ये दिखा रहा है, ये फ्रंट के बार हैं और ये रियर के बार हैं, 10 बार का इसमें प्रेशर रहता है दोस्तों, देख सकते हैं अभी फुल हैं दोनों में। ऊपर टोटल रनिंग दिखा रहा है चली हुई, और इधर आपको जो इसके AW है यूरिया है उसका गेज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और ये बार इधर नज़र डाला तो नीचे आपको यहाँ पर इसका फ्यूल एल गेज देखने को मिलेगा, और ऊपर इसकी स्पीड मिल जाती है आपको 0 से 140 की स्पीड आपको यहाँ पर क्लस्टर में देखने को मिलेगी, और भी कई सारी वार्निंग लैंप्स भी आपको इसके क्लस्टर में देखने को मिलेंगी दोस्तों, जो कि पूरा डिजिटल है ये। और इसके अंदर के जो कंट्रोल दिए गए हैं उन सर के स्विचेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके सारे स्विचेस पे दोस्तों। आपको यहाँ पर स्टेप आउट की लैंप मिल जाती है, एंड डोर की लैंप मिल जाती है, और इमरजेंसी डोर की लैंप आपको मिल जाती हैं। और नीचे और स्विचेस देख सकते हैं आप, ये इसके DEF यानी डीजल एक्सॉस्ट फ्यूल के जो ये रीजनरेशन के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये हैवी लोड का मिल जाता है आपको, और ये लाइट लोड का मिल जाता है। हेजार्ड के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, बैटरी कट ऑफ के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसकी दोस्तों ये किसी भी आपदा स्थिति में आप इसकी बैटरी कट ऑफ भी यहाँ से कर सकते हैं, और ये 2 एक्स्ट्रा स्विचेस के लिए आपको यहाँ पर जगह कंपनी दे रही है। ये ड्राइवर केबिन लैंप है, और ये इसकी स्टेप लैंप है दोस्तों, और ये इसके अंदर वाले जो लैंप्स हैं उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये देख सकते हैं। और ये ड्राइवर फैन के लिए दिए गए हैं, इसे ऑन करेंगे तो इसका ड्राइवर जो फैन है वो चालू हो जाएगा। सारे कंट्रोल्स आपको इसके डैशबोर्ड पे ही देखने को मिलेंगे, गियर लियर नॉब, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस देखने को मिलेगा, ड्राइवर अपनी कोई भी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। और कोई एक बार नज़र डाल लेते हैं एक बार उसकी सीटिंग कैपेसिटी पे, तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि 41+D है ये, और दोस्तों ये इसका है FDSS यानी कि फायर डिटेक्शन स्प्रिंकलर सेंसर, जो कि एक आपातकालीन स्थिति में इससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो कि ऑटोमेटिक फायर करता है आपातकालीन स्थिति में, इसे FDSS बोलते हैं दोस्तों। कंपनी आपको यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर माइलेज का दावा करती है, 4 साल व 4 लाख किलोमीटर तक कंपनी आपको वारंटी दे रही है, वो भी ड्राइवर लाइन में। 310 mm का टायर क्लच आपको यहाँ पर मिलता है, और GB400 विद केबल शिफ्ट गियरबॉक्स आपको इसमें मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है 2956 cc का 4 सिलेंडर 4 SPCR BS6 OBD.2 का डीजल इंजन, जो 120 HP की पावर व 350 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। ये 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियरबॉक्स साथ आता है दोस्तों। 41+D सीटर ये मॉडल आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, कैसे लगे आपको ये टाटा सिटी रेड स्कूल LP 412/36 CX 41 सीटर बस, हमें कमेंट जरूर बताइए।